नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रागिला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। बहुचर्चित अतिक्रमण हटाओ अभियान में आया एक नया मोड़। रेलवे की अतिक्रमित भूमि को लेकर हुआ समन्वय बैठक का आयोजन। सीएम धामी ने किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ओपन जिम का वर्चुअल लोकार्पण। 18 कुमाऊं रेजिमेंट के 47वें स्थापना दिवस पर हुए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। चोरी की योजना बना रहे 4 युवक गिरफ्तार। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने साधा सरकार पर निशाना। विधायक अरविंद पांडे ने 10 लाख रुपए की लागत के बार भवन का लोकार्पण किया। पुलिस टीम ने लाखों रुपए के फोन किए बरामद। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के हल्द्वानी बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण हटाओ अभियान में एक नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। बनभूलपुरा के अतिक्रमण हटाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब केस की सुनवाई 5 जनवरी को होने जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो ये प्रभावित हो रहे हैं, हर चीज की जगह नहीं यहाँ पर। ना मीडिया, ना पैसे, ना रुपए, तो हमें जगह चाहिए बस। रेलवे टीम ने अतिक्रमण हटाने के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जहां एक ओर प्रशासन ने अतिक्रमित क्षेत्र पर पिलर बंदी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे के एडीआरएम एवं अन्य अधिकारियों ने प्रशासन के साथ अतिक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण कर एक समन्वय बैठक का आयोजन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, तो सारा मसला हजरात के इल्म में है, उनके इस वक्त में जो हालात हम पर आए हुए हैं जी, जहां और तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आज हम सब लोगों ने और कितनी बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ जमा थे, हमने रब्बुल आलमीन और अपने अल्लाह और अपने मालिक के हकीकी से दुआ की है कि अल्लाह ताला इस शहर में जो हालात इस वक्त आए हुए हैं उन हालात को साजगार फरमा और पूरे मुल्क में अमन अमान पैदा फरमा। और जो इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, दो तारीख में कल खुलेगा, 3 में 4 में, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये फैसला हमारे ही हक में आएगा। हमने रब्बुल आलमीन से यही दुआएं की हैं और हर जगह यही पढ़ा जा रहा है, वजीफ़ा हो या आयत कुरानियाँ हो या मस्जिदों में मदरसों में, जगह जगह यही बात की सबक दिया जा रहा है कि हम लोग अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और रो धोकर अपने अल्लाह से अपनी शिकायत रख रहे हैं कि वो हमारे इन मजलूमों के साथ रहम फरमाए और हमारे इन घरों की कामिल और मुकम्मल हिफाजत फरमाए। और क्या कह सकता हूँ मैं आप अल्लाह। भाईचारे के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल माध्यम से? भाई देखिए, भाईचारे का तो ये तो मुल्क ही भाईचारे का और हमारे मजहब ने ही सबसे हमें भाईचारगी का सबूत दिया है और हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं। मैं अपने इस मौके पर उन तमाम बिरादरान वतन का भी भाईचारगी का सबूत देता हूँ कि वो तमाम अपने अपने इलाकों में अपने अपने मजहब में के एतबार से दुआ कर रहे हैं और हम सब के लिए फ़िक्रमंद हैं। ऐसे बहुत बड़ी ताकत में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो अपने अपने मजहब के एतबार से अपने अपने प्रभु और भगवान ईश्वर से दुआएं कर रहे हैं और हमारे इस दुख की घड़ियों में, हमारे इस परेशानी के वक्त में हमारे साथ शरीक हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो प्रशासन है वो बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और वो भी दुआ गो हैं कि इस परेशानी से हम सबको निजात मिल जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में ओपन जिम का वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री धामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गदरपुर विधायक अरविंद पांडे द्वारा की गई। साथ ही पालिका चेयरमैन गुलाम गौस द्वारा सरकार का आभार व्यक्त किया गया। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी और देश के कोने कोने में जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे, मैं सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस कामना के साथ कि भगवान सबका जीवन खुशहाल करे, सबका भविष्य उज्जवल हो, निरोगी काया हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारी सरकार चाहती है कि बच्चे हों चाहे बड़े हों, शिक्षा के साथ साथ काम धाम के साथ साथ आज के ज़माने में जैसा खान पीन है, इस खान पीन को देखते हुए जो लाइफ स्टाइल बन गई है, मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस होता है,
उन सब के बीच में स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इस नाते हमारी गवर्नमेंट ने ओपन जिम का कई हजार स्थानों पर ओपन जिम लगने हैं, उसी कड़ी में हमारी सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में देते हुए ओपन जिम लगाया है, आज उसका शुभारंभ हुआ है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे इलाके के लोग इतने अच्छे हैं कि इनको हर आदमी छूना चाहता है। ये इनकी किस्मत है कि यहाँ के अच्छे लोगों ने, पवित्र लोगों ने मुझको अपना सेवक बनाया है। और मुझको ईमानदारी या बेईमानी का डिफिनेशन मुझको नहीं देना है, मुझे जनता की सेवा करनी है, जनता के लिए स्टेडियम बनाना है, जनता के लिए सड़कें बनानी है। समस्त क्षेत्रवासियों को मैं इस बात की बधाई दूंगा कि बहुप्रतीक्षित जो बाईपास का निर्माण हुआ है, यह बहुत ही जन कल्याणकारी योजना मोदी जी की है और यह बन के तैयार हो गई है, जनता को समर्पित हो गई है। मैं जनता को बधाई देना चाहूँगा। और रही बात श्रेय लेने की, किसने किया क्या नहीं किया, मैं इस पर ना जाके मैं छोटे भाई आपसे एक ही बात कहूँगा कि जिसके घर में बेटी की शादी होती है तो उसमें थोड़ी सी भी कमी हो जाएगी तो बाप की जिम्मेवारी बनती है। मैं यहाँ का बाप तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ का इस क्षेत्र का मैं नौकर हूँ। यहाँ की जनता ने अपनी सेवाओं के लिए मुझको वोट दे के विधायक बनाया है, तो मुझको उछल कूद मचाकर मुझे उंगली कटा के शहीद बनने की आदत नहीं है, मैं ये काम करता भी नहीं हूँ। रही बात उद्घाटन की या लोकार्पण की या निरीक्षण की, तो कल मुझे ही पता लगा हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने, राज्य मंत्री जी ने उसका मुआयना किया है, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बधाई दूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि गदपुर का नाम ही ऐसा है आकर्षण वाला। नगर पालिका परिषद क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सबको नववर्ष की हार्दिक बधाई। यहाँ पर गदरपुर में जितने भी पार्क हैं, यहाँ सबसे पहली बात यह है कि यहाँ शासन से डेवलप नहीं है। हम लोगों ने कई बार इनका एस्टिमेट वगैरह बना के शासन को भेजा था, लेकिन जो भी नगर पालिका की निधि होती है, नगर पालिका की निधि से जो भी हल्का फुल्का यहाँ काम होता है हमेशा मैं करवाने की कोशिश करता हूँ और करवा रहे हैं हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो यहाँ पर 2 लाख रुपए का ओपन जिम का आदेश था वो नगर पालिका द्वारा यहाँ पर पूरा किया गया है, और इस ओपन जिम से यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे बूढ़े सब, महिलाएं वगैरह जितनी भी हैं सब सुबह थोड़ा बहुत योगा हल्का फुल्का करके और स्वस्थ रहने के लिए जो ओपन जिम चल रहा है और जो लगाया है, उससे लगता है कि जो सरकार ये जिस योजना पे काम कर रही है उसका सरकार का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जिसके लिए ओपन जिम के लिए। और क्षेत्र के यहाँ मेरे ख्याल से नगर पालिका हर क्षेत्र में जितने भी ओपन जिम लगे हैं उनका आज वर्चुअल उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सरकार जिस तरीके से एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काम कर रही है, और आगे आने वाले टाइम में जितना भी और गदरपुर के लिए हम लोग जितने भी एस्टिमेट पार्क वगैरह के लिए बनाए हैं यहाँ से भेजे हैं हमने शासन में, उसको स्वीकृत करके यहाँ एक बहुत गदरपुर को एक बहुत बड़ा नववर्ष। खटीमा में 1 जनवरी को 18 कुमाऊं रेजिमेंट के 47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भूतपूर्व सैनिकों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही इस मौके पर भूतपूर्व सैनिकों ने अपने कार्यकाल की कुछ यादें भी साझा की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जनवरी 1976 को कुमार रेजिमेंट की स्थापना पंचकाली में हुई थी, और तब से प्रतिवर्ष स्थापना वर्ष के रूप में 1 जनवरी जो है मनाया जाता है अठारह कुमार रेजिमेंट का स्थापना वर्ष। तो इसी उपलक्ष्य में 2-3 साल से हम लोग भी खटीमा में स्थापना वर्ष को मनाते हैं, और मैं सभी 18 कुमार के रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों को और सेवारत सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। 1 जनवरी 1976 को जो हमारी जो है यूनिट का स्थापना वर्ष मनाया जाता है, खटीमा में भी हर वर्ष की भांति पिछले 3-4 वर्षों से स्थापना वर्ष को मनाया जा रहा है। मैं सभी 18 कुमाऊं के सेवारत और
भूतपूर्व सैनिकों को स्थापना वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ हैं सब लोग? शाम के चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। आप लोगों को करीब। जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा जनपद में लगातार नशेड़ी एवं आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक काशीपुर एवं क्षेत्राधिकारी काशीपुर के निर्देशन में जसपुर पुलिस द्वारा देर रात ठाकुर द्वारा चुंगी से खेड़ा को जाने वाले नहर रास्ते में स्थित एक भवन के बेसमेंट से चोरी की योजना बना रहे चार युवकों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारी पुलिस गश्त पे थी, गश्त मुखबिर से सूचना मिली कि ठाकुर द्वारा से जो खेड़ा को रास्ता जाता है उस मार्ग पर एक बड़ी बिल्डिंग में चोरी की योजना बना रहे हैं। ये लोग एकत्र हैं तो इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई तो पुलिस ने मौके पर चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से आला नकब और कुछ चाकू बरामद हुए हैं। इस पर नियमानुसार अभियोग पंजित किया गया जा चुका है और अभियुक्त को रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। इससे पूर्व भी ये कई बार जेल जा चुके हैं, ये आदतन अपराधी हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं। उत्तराखंड उपनेता प्रतिपक्ष एवं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने बीडीओ भर्ती एवं बंदरों का भर्ती को कैंसिल किए जाने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भर्ती मामले की जांच कर योग्य व्यक्तियों को अवसर मिलना चाहिए। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने मामले की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ले पा रही है जहां सरकार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए थी, सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए था। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो योग्य हैं उनको रखा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच नहीं कराई और जो इसमें लिप्त थे उन पे जो मुकदमे जो कह रही थी कि एसटीएफ ने बहुत अच्छी जांच करी है, वो लोग लगातार जमानत ले रहे हैं। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि जो भर्तियां हैं वो दोबारा संकट में आएंगी। साथ ही लोक सेवा आयोग को जो हमने विधानसभा सत्र के दौरान लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार को उजागर किया है, सरकार ने उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो अपने ही नियमों वालों की उल्लंघन कर जो है जो लोग मेरिट में नहीं है उन्हें लाभ पहुंचा रहा है, और 100 नंबर का जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करता है रिजल्ट को, तो सरकार को इसमें दोबारा चिंतन करके योग्य युवाओं के लिए कोई मजबूत नीति बनानी चाहिए। जिला उधम सिंह नगर के बाटपुर क्षेत्र के एसडीएम कोर्ट परिसर में कदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने 10 लाख रुपए की लागत से अधिवक्ताओं के लिए बने बार भवन का लोकार्पण किया और भविष्य में यदि कोई भी जरूरत पड़ती है तो उसमें भी अपना योगदान देने की बात कही। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हमेशा कोशिश करेंगे ताकि अच्छा काम हो, बदलाव के लिए कम से कम राजनीति में बदलाव के लिए ये भाजपा को जाना जाएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये बलगा जी की जिम्मेवारी है। भवन का निर्माण विधायक निधि से किया गया था, सभी हमारे वकील जो बंधु हैं इनका आदेश था उसका पालन किया, पैसा समय पर आ गया था, वह भवन बन गया, आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। मैं बार काउंसिल को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, इस उम्मीद से कि आने वाले समय में जो भाजपा के हमारी ये कोर्ट है, छोटी जगह है लेकिन यहाँ मुकदमे काफ़ी हैं, हमारे वकीलों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो, इतना अच्छा काम हो कि इनका नाम अच्छे कामों के लिए जाना जाए, हमने ऐसी इनको शुभकामना दिया है। अगर नए साल में भाजपा के वासियों को बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और इस बार काउंसिल में जो ये भवन बन गया है आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, जैसा हमारे जो बार काउंसिल के सदस्य हैं पदाधिकारी हैं जो इनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून शहर से लगातार फोन चोरी एवं टप्पेबाजी की शिकायत पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिसके लिए पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच करते हुए टीम गठित की गई, जिसके चलते पुलिस टीम द्वारा लाखों रुपए के फोन को बरामद करते हुए 18 लोगों के फोन वापस किए गए हैं। एसएसपी देहरादून ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मोबाइल फोन वापस करते हुए गठित टीम की प्रशंसा की है और पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की भी बात कही है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। और इसका नाम शहजाद खुशी के बिजनौर का रहने वाला है, इसकी हमारी टीम ने बिजनौर से इसकी हरसिंग करी है और
इसके लिए हमारे अशोक जी प्लस हमारे पिछले 3-4 माह में जो मोबाइल फ़ोन लोगों को खोए थे जो जिन्होंने पुलिस को रिपोर्टिंग करी है, तो 252 उनमें से 252 मोबाइल फ़ोन हमने बरामद किए हैं। इनका मार्केट में प्राइस लगभग 50.5 लाख रुपया है वर्तमान में, और इसमें आज हमने 18 लोग को बुलाया था, उनको हमने मोबाइल फ़ोन सुपुर्द कर दिया है। अब बाकी फ़ोन हम सभी लोगों को इंडिविजुअली संपर्क करके उनको वापस दिला रहे हैं। आइडिया ये था कि जो कोई खोए फ़ोन है इनको 9 वर्ष के पहले दिन कार्य दिवस के दिन हम लोगों को जो उनका खोया फ़ोन था वापस करा करके उनके चेहरे पर खुशी लाएं, और ये आगे भी हमारा प्रयास रखेगा कि सर जो खोए हुए मोबाइल फ़ोन है बरामद करके लोगों को हम देंगे। दूसरा ये कि 25,000 का इनामी बदमाश चोरी के मामले में फरार चल रहा था पटेल नगर थाने से, उसकी अरेस्टिंग हमारे SOG और थाना पटेल नगर ने किया है, और उसकी अरेस्टिंग हमने बिजनौर से करके उसको आज हम जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज रहे हैं। मोबाइल फ़ोन की बरामदगी के संदर्भ में मैं पूरी टीम को 10,000 का इनाम देता हूं, और जो ये 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया उसको मैं 2,500 का इनाम देता हूँ। 252 मोबाइल फ़ोन आपके सामने हमने देश के लिए में रखा हुआ है, ये लगभग 50.5 लाख की मोबाइल फ़ोन है। अच्छा, 50.5 लाख। और आज यहाँ पर जो है 18 लोग उपस्थित हैं जिनका मोबाइल फ़ोन खोया था, तो हमने सोचा कि 9 वर्ष के इस दिन सोमवार को आती थी, सोमवार है, क्यों ना लोगों को जो मोबाइल फ़ोन खोया था उनको फ़ोन वापस दे करके उनके 9 वर्ष की एक अच्छी शुरुआत हमने कर दें। तो एक तो हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें 18 लोग यहाँ पर हैं, इसमें हमारे दोनों SP साहिबान और CO है यूही मंदा, और SP क्राइम मद्रेश, हमारे साइबर के जितने लोग हैं यहाँ पर हैं उनकी पूरी टीम ने इसमें काम किया है, तो उन सभी को बधाई इस बात की कि भाई जिनका फोन भरा था उनको एक नंबर पहले सोमवार को एक खुशी का एक इजहार करने का एक मौका दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराखिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।